सच सच बता, तूने पैसे लिए कि नहीं? नहीं मैडम, नहीं। ऐसे तो नहीं बोलेगी ना, दो चार दिन हवालात की हवा खाएगी ना, सब सच बाहर निकल आएगा। बोल बोल। हाँ, हमने लिया पैसा। लेके जाओ इसको। के लिए गांव चली गई थी। वो मैं बताता है मैडम, वो बात दरअसल ये है कि हम लोग दोनों गांव तो चले गए, लेकिन उधर ये अखा दिन तुम इच लोगों को याद करती थी, इसलिए हम दोनों ने मिलके नक्की किया कि परत मुंबई चलते। हाँ भाभी जी, इसलिए इन्होंने लोन पे रिक्शा खरीदी, अब ये यहाँ पे रिक्शा चलाएंगे। यारो, रब जी की कृपा से आज का दिन तो बहुत चंगा है, वो लवली नाम की बला से छुटकारा तो मिला। सही बात है। हाँ बिल्कुल देवा वास्लो रे, एक शिक्षक पर छेड़छाड़ का इल्जाम लगा दिया। वैसे श्री आत्माराम भिड़े जी, कहीं आपने सचमुच में तो नहीं छेड़ दिया था? अरे घबराओ मत, मैं तो मजाक कर रहा था। लेकिन मैं साहब एक बात तो है, रुक्मणी एकदम करेक्ट टाइम पर वापस आ गई है, ये बहुत अच्छा हुआ। बहुत ही अच्छा हुआ यार साहब, उसके आने से कम आपका काम तो कम हो गया। क्या मेहता साहब आप भी? अरे भाई मेरे कहने का मतलब है हम सबका काम कम हो गया। अरे अब्दुल, सब इतना हंस रहे, तू क्यों नहीं खुल के हंसता है? मैं क्यों हंसूं? अरे हाथी भाई, अब्दुल तभी खुलकर हंसेगा जब उसे सोडे का ऑर्डर मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। चल सबको सोडा दे। मास्टर भिड़े, आज छेड़छाड़ के इल्जाम से आप बच गए, तो सबको आपकी तरफ से दो दो सोडा होनी चाहिए ना। अरे वाह। अरे हाथी भाई, अरे पांच पांच सोडा अब्दुल, पांच पांच सोडा। अरे वाह, मजा आ गया। पांच गिलास। क्या बात है भाइयों, भिड़े के ऊपर हंस रहे? येड़ा भाई सोडा बनाओ। अरे भाई अभी खाना बाकी है, तू एक काम कर भाई, वो कौन सा वो नया टूथपेस्ट निकला है भाई, जिसके साथ वो सिटी फ्री में मिलती है, वो क्रेजी टूथपेस्ट, वो क्रेजी बिजी जो भी है, ला भाई ला, खाते में लिख लेना। चलो मैं आता हूँ खाना खा के। क्या जेठालाल, तुम भी शी, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, एक छोटी सी सिटी के लिए इतना बड़ा टूथपेस्ट खरीद रहे हो। सच बात है सोड़ी, फ्री आइटम की लालच में लोग कुछ भी खरीद लेते हैं, वो देखते नहीं इसकी जरूरत है या नहीं है। अरे भाई भिड़े, फ्री देने वाले को तकलीफ नहीं है, फ्री लेने वाले को तकलीफ नहीं है, फिर तुझे क्यों फ्री में तकलीफ हो रही है? सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब्दुल, तेरी दुकान में कुछ ऐसा नहीं है जिसपे कुछ खाने को फ्री हो? होगा तो बताऊंगा। वैसे जेठालाल, हिमालय में एक चीज फ्री में मिलती है, बर्फ। अच्छा। अरे भाई तो प्लीज मेरे लिए लेके आएगा 2 किलो, चिंता मत कर, मैं ट्रेन का आने जाने का भाड़ा दे दूंगा। अरे ट्रेन से लाते लाते बर्फ सारी पिघल जाएगी। तो मेहता साहब कोई बात नहीं, जिंदगी भर इसकी आवन जावन चालू रहेगी। फिर एक दिन कंटाल का हिमालय में शटल हो जाएगा। पापा आत्माराम हिमालय में भिड़ गए। थोड़ी बस बहुत हंस रहे। लेकिन मैं एक बात बताऊं, ये एक्चुअली में फ्री कुछ नहीं होता है। अरे हाँ यार, वो 1000 रुपए की शर्ट 50% डिस्काउंट देकर 500 रुपए में देते हैं, और होती भी वो 500 रुपए की है। बात तो ठीक है, लेकिन बेचारा दुकानदार भी क्या करे यार, मंदी में माल बेचने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। ए भिड़े, चल मैं तुझे आज एक फ्री में वो स्कीम देता हूँ इस्तेमाल करना, और तेरा साइंस मैथ्स और इंग्लिश का ट्यूशन के साथ सिलाई का ट्यूशन फ्री। एक मिनट, जेठालाल मैं एक शिक्षक हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, तुम्हारी तरह व्यापार नहीं करता मैं। वो तो अच्छा है कि तुम शिक्षक नहीं हो, नहीं तो तुम उसका व्यापार ही करते। जाओ जेठालाल घर पे जाओ, वो टूथपेस्ट मिली है ना उससे ब्रश करो, और वो जो फ्री में सीटी मिली है ना उसे फ्री में बजाते रहो। थैंक यू भाई, आपने जो मुझे फ्री में सलाह दी उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और दूसरा ये चीज बोलना चाहता हूँ ये मौके पे कि आप भी अभी त्वरित घर पे जाइए, वरना क्या हो, बर्तन बिर्तन है ना
आपकी राह देख रहे हैं। वो आप जल्दी नहीं पहुंचे तो आपकी भी सिटी बच जाएगी घर पे। सही बात है। जाओ जाओ जाओ। तब जब तू ऐसा नहीं मानेगा तेरी सिटी ना, मैं तो रुक रुक जा, रुक रुक तब सिटी में सिटी देख। क्या तकलीफ है तुझे, हैं क्यों चिल्ला रहे? बाबूजी मैं शांति से टीवी देख रहा हूँ, ये मुझे देखने नहीं दे रहा, ये सिटी बजा बजा के परेशान कर रहा है। देखा देखा बापूजी देखा? हाँ देखा, तो सिटी बजा रहा है ना, ढोल नगाड़ा थोड़ी बजा रहा है। बापूजी ढोल नगाड़ा बजा रहा होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन ये सिटी का आवाज ऐसा एकदम लगता है कान ऐसा पी एकदम। बापूजी पता नहीं इनको सिटी से क्या दुश्मनी है, कुकर की सिटी बजती है ना तब भी ऐसे ही चिढ़ते हैं। अरे इसे चिढ़ने के सिवा और आता क्या है? भूल गया तू जब छोटा था तो पतरे का खाली डिब्बा लेके पूरे गांव में बजाते फिरता था, उसकी आवाज से पूरे गांव वाले तो परेशान होते ही थे, लेकिन गांव के सारे गधे भी परेशान होके ऑंची ऑंची करके इकट्ठा हो जाते थे। चुप। बापू जी क्या आप भी टप्पू के सामने मेरे बचपन के किस्से सुनाते रहते है? वो इसलिए ताकि तुझे याद आए कि एक जमाने में तू भी बच्चा था और इससे ज्यादा शरारतें करता था। अरे सारे गांव वाले तुझे डिब्बा मास्टर कह के बुलाते थे, भूल गया? बोल और कुछ कहना है? बापू जी मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि टीवी देखते वक्त ये सिटी बजा रहे क्या अच्छी बात है। ठीक है टपो बंद कर दे। हाँ टीवी। बापू जी टीवी मैंने पहले फोन किया था पर बताना भूल गई थी, आजकल एक नई पेस्ट निकली है, कजिया पेस्ट। अरे कजिया नहीं क्रेजी पेस्ट, क्रेजी। हाँ हाँ वही क्रेजी पेस्ट। और माँ उसकी खासियत ये है कि उसके साथ एक सिटी फ्री में मिलती है, जरूर ले लेना। और देखो माँ अहमदाबाद में वो पेस्ट ना मिले ना तो मुझे बता देना, मैं नटू काका के साथ भिजवा दूंगी। ठीक है अच्छा माँ मैं फोन रखती हूँ। दया। हाँ डोबी, नाक पे अगर मक्खी बैठी हो तो उसे उड़ाने के लिए तलवार का इस्तेमाल नहीं करते। मतलब? मतलब एक रुपये की सिटी के लिए नटू काका को पेश के साथ अहमदाबाद भेजने का खर्चा भारी नहीं पड़ेगा। हाँ वो तो है, पर इसमें नाक मक्खी और तलवार कहाँ से आए? कल सुबह बताऊंगा, अभी सो जा चुपचाप। चल हाँ। तुम लाने वाली थी? अरे आप लाने वाले थे, भूल गए? आपको ना आजकल कुछ याद ही नहीं रहता है। माधवी मेरी याददाश्त बिल्कुल चुस्त दुरुस्त है। पहली से लेकर दसवीं की कक्षा तक पाठ्य पुस्तक में कौन से पन्ने पर क्या लिखा है मुझे जुबानी याद है। जो रोज रोज रटते हो वो तो याद रहेगा ही ना। माधवी तुम मान लो तुम भूल गई हो। आप भूल गए हो। तुम भूल गई हो। आप भूल गए हो। तुम आप तुम आप तुम आप बाबा आए। जो सुबह सबसे पहले उठता है वो भूल गया। हाँ सुबह तो मैं हूँ। हाँ बाबा जाता हूँ। अच्छा बाबा हा? वो क्रेजी टूथपेस्ट ही लाना जिसपे सिटी फ्री मिलती है। सोनू ऐसी टूथपेस्ट बकवास होती है, बच्चों को आकर्षित करने के लिए वो ऐसी स्कीम निकालते हैं ताकि उनका घटिया माल बिक जाए। बाबा प्लीज सब बच्चों के पास सिटी है। देखो सोनू मैंने कह दिया ना एक बार, अरे हमारे जमाने में। एक मिनट सोनू बैठ। हाँ बोलिए आपके जमाने में क्या? ठीक है मैं देता हूँ लाकर वो टूथपेस्ट, लेकिन सीटी बजाने का टाइम टेबल होना चाहिए, दिन में सिर्फ 5 मिनट। ठीक है
सीटी बजाने का भी टाइम टेबल? काय गो भाई तुझे बाबा? अरे एक चुप बैठो, आवाज मत करो यहाँ पे। अरे मेरी बात सुनो। अरे टप्पू गोगी चुप हो जाओ। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। बेशिस्त मुले है। अरे ए बच्चो, अभी मैंने सोसाइटी बोर्ड पर क्या लिखा पढ़ा नहीं तुम लोगों ने? अंकल आप खुद ही पढ़ लो ना। अरे क्या सोसाइटी कंपाउंड में सिटी बजाकर शोर करना है? अरे ए बच्चे लोग क्यों शोर कर रहे हो तुम लोग इतना? टपो टपो क्यों शोर कर रहे हो इतना? पापा बीड़े अंकल ने जो बोर्ड पे लिखा है हम लोग वही कर रहे हैं। अरे क्या लिखा है बोर्ड पे? सोसाइटी में सिटी बजाकर शोर करना है भिड़े? अरे ए भिड़े, अरे जेठालाल इधर हूँ मैं इधर। अरे भाई क्या इधर हूँ मैं, ये क्या लिखा है? सोसाइटी में सिटी बजाकर शोर करना है? क्यों शादी है तुम्हारी? अरे बाबा, अरे क्या बाबा, बच्चे लोग को ये शिक्षा देते हो? किस टाइप के शिक्षक हो तुम? दुनिया में इतना सारा आवाज है और भी आवाज बढ़ाने के टीवी पर दिखाते आवाज कम करो आवाज कम करो और तुम बोलते हो कि शोर करो। नॉनसेंस। अरे मेरी बात तो सुनो। अरे कुछ मत बोलो, चुप रहो भाई, बहुत आवाज है, चुप रह के थोड़ा शांति रखो। और वो बोर्ड पे है ना ऐसा लिखो कि शोर करना मना है। अरे भाई मैं क्या कह रहा हूँ? अरे भाई इधर मत आओ, बोर्ड पे जाओ लिखो, क्योंकि तुम जैसा लिखते हो वैसा है बच्चे पढ़ के करते है। जाओ लिखो। ए बच्चे लोग ये भिड़े अंकल अभी लिखते हैं, वो शोर करना मन है, अभी शोर मत करना। अरे जाने भाई लिखने। अरे जेठा आंटी जी आपका ब्रेड। वाह गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग बेटा। कैसे हो अब्दुल? सलाम। अच्छा अंकल हाँ फिर मिलते हैं। मिलते। अरे अब्दुल वो सीटी देना यार। भैया की तू? अरे वो नहीं, वो फ्री सिटी वाली टूथपेस्ट देना। वो हंस क्यों रहे हो? हंस क्यों रहे? पता है ये मैं मेरे लिए नहीं ले रहा हूँ अब्दुल, मेरी सोनू के लिए ले रहा हूँ। हाँ तुम्हें कहता हूँ ये पेस्ट के खिलाफ ना ग्राहक पंचायत में तकरार करनी चाहिए। अरे ऐसी फ्री सिटी देकर कितने बच्चे सिटी बजाएंगे, कितना ध्वनि प्रदूषण बढ़ेगा पता है? वैसे अब्दुल ये पेस्ट मैंने खरीदी है वो सोसाइटी में किसी को बताना नहीं। हाँ एक आदमी को तो बताना पड़े। किसे? वो डीलर को। आखिरी पैकेट है, खत्म हो गया ना, ऑर्डर करना पड़ेगा। ठीक है, कितने पैसे हुए? 19 रुपए 75 पैसे। 75 पैसे तो इस सिटी के होंगे क्या? हाँ भाई ये लो 20 रुपए। सलाम। क्या सलाम क्या, 25 पैसा दो, छुट्टे नहीं है। हाँ तो कोई बात नहीं। हो गया 25 पैसे दो। अरे वो तो तुम देने वाले थे। अरे ये 50 पैसे की है। ठीक है 25 पैसा बाद में दे देना। लेकिन ये लो तुम्हारी सीटी वाली टूथपेस्ट। यस मेरी सीटी आ गई। अरे
बस बस सोनू बस बस, दिन में सिर्फ एक ही बार बजाने का, दे दो। पहले ब्रश करो और बाद में नहाकर पढ़ाई करने बैठो। टीवी बंद करो ये। चलो चलो चलो। क्या ऐसी फालतू सिटी बजाने में मजा आता है पता नहीं आजकल के बच्चों को। कुछ अलग है, हमारे जमाने में ऐसी नहीं थी। वाह, ये बजती कैसे? ये क्या है? अभी तो बज रही थी। अरे बाप रे, अभी सुन नाराज हो जाएगी। अरे बज क्यों नहीं रही है? कहा है जिसका काम उसी को साजे और करे तो ठेंगा बाजे। मास्टर भिड़े ने बच्चों जैसे काम किए, बजाई सीटी, और सीटी ने क्या किया आप देख ही चुके हैं इसका नमूना। बचपन में हम स्कूल में टीचर की सीटी से बड़े डरते थे। सीटी बजी नहीं कि भाग के तैयार प्रार्थना करने के लिए मैदान खेल का साफ और सब क्लास में। लेकिन यहाँ टीचर की सीटी से तो हम नहीं डरे, लेकिन एक सीटी ने टीचर का जरूर डरा दिया। और डरा क्या दिया, अटका ही दिया। अब ये सीटी किस किस की सीटी बजाती है ये मैं नहीं जानता, लेकिन एक चीज जरूर जानता हूँ, हम मिलकर लगाते रहेंगे ठाके तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।